मिशन रजनीकांत एक रियल लाइफ हीरो जसवंत सिंह गिल पर आधारित है, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर माइंस के अंदर से मजदूरों की जान बचाई थी और वो भारत का ऐतिहासिक मिशन बन चुका था। और अब उन्हीं सरदार का रोल मिस्टर अक्षय कुमार करने वाले हैं। अक्षय कुमार ने इससे पहले भी कई बार सरदार का रोल किया है, जैसे कि केसरी और सिंह इज किंग में। और जब भी अक्षय कुमार सरदार का रोल प्ले करते हैं तो वो अपना 100% देते हैं। फिल्म का ट्रेलर 25 सितंबर को आ चुका है। ट्रेलर में एक प्रेयर वाला सीन दिखाई देता है जिसमें वो प्योर पंजाबी में प्रेयर कर रहे हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि कोई सच्चा सरदार प्रे कर रहा है। फिल्म का ट्रेलर देखकर लगता है कि फिल्म काफी बढ़िया होने वाली है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि फिल्म में जसवंत सिंह गिल एक रेस्क्यू प्लान बनाते हैं जिससे माइंस में फंसे मजदूरों को निकाला जा सके, और अक्षय कुमार ब्लैक बोर्ड पर समझाते हुए भी दिख रहे हैं। उस समय जो रेस्क्यू प्लान भारत में पहली बार यूज किया गया था, उस वक्त उन मजदूरों की जान बचाना सिर्फ उस प्लान पर ही डिपेंड था। और इसी बीच मजदूरों के घर वाले अक्षय पर दबाव भी बनाते हैं, और जहां तक कि एक लेडी अक्षय को थप्पड़ जड़ देती है। जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर चलेगी तो यकीनन बूम बम्स वाली फीलिंग आएगी। जब ये सीन रियल लाइफ में हुआ होगा वो वाली फीलिंग आपको थिएटर में देखने को मिलेगी। और जब अक्षय कुमार जिस सीन में प्रेयर कर रहे हैं वो जब थिएटर में चलेगा तो यकीनन सभी लोग अपने मन में प्रेयर करते हुए देखेंगे। ट्रेलर देखने के बाद पता चलता है कि फिल्म उस घटना के 2 दिन को ही दिखाएगी जब जे रेस्क्यू चल रहा था। फिल्म देखते वक्त फुल टेंशन वाला माहौल रहेगा और लोग सीट्स पर ही बंधे रहेंगे। फिल्म के डायरेक्टर टीनू देसाई पहले भी अक्षय कुमार की रुस्तम को डायरेक्ट कर चुके हैं, जो कि सुपरहिट हुई थी। फिल्म में परिणीति चोपड़ा का कुछ सीन देखने को मिलेगा। बाकी फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये फिल्म दर्शकों को कैसी लगेगी। बात करें रिलीज डेट की तो फिल्म 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आ रही है। अब बताओ कैसा लगा ट्रेलर और क्या फिल्म देखने जाएंगे, कमेंट में बताइएगा।